आस्था के महापर्व छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ देकर की मंगल कामना। कभी केवल मगध क्षेत्र के लोक परंपराओं का हिस्सा रहा छठ पर्व, अब राज्य एवं राष्ट्रीय सीमाओं को लांग कर विश्व के कई हिस्सों में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। दिनकर के उगते और अस्ताचलगामी दोनों स्वरूपों की पूजा अर्चना वाला ये पर्व भारतीय संस्कृति में प्रकृति की उपासना और इसके प्रति अटूट श्रद्धा के भाव को दर्शाता है। दीपावली से छठे दिन आयोजित होने वाले छठ मैया का पर्व शहर में भी अलग अलग स्थान, वाटर वर्क्स, मानसरोवर झील, नेहरू तलाई आदि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में मनाया जा रहा है। पूर्वांचल की आस्था का केंद्र और महापर्व छठ पूजा के आज तीसरे दिन लोगों में काफी उत्साह नजर आया। संतान की दीर्घायु और खुशहाली के लिए की जाने वाली पूजा में आज पांसल चौराहे स्थित वाटर वर्कर्स पर शाम को काफी संख्या में लोग डूबते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे। सरोवर पर भव्य आतिशबाजी भी की गई। इस अवसर पर पूरे परिवार के लोग जलाशय पर इकट्ठे हुए और पानी में खड़े होकर यहाँ अर्घ्य दिया और सूप लेकर सूर्य की आराधना करते नजर आए। कई महिलाएं अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सरोवर के किनारे बैठकर समूह में पूजा करती दिखी। सभी ने परिवार की तरक्की, ऐश्वर्य और खुशहाली की कामना की। इससे पूर्व लोग बाजारों में पूजा की सामग्री, गन्ने, कपड़े, श्रृंगार का सामान आदि खरीदते नजर आए। बाजारों में भी खासी चहल पहल रही। देखिए भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। आस्था और पूजा का प्रतीक छठ महापर्व, छठ पूजा का आज जो दिन है वो वास्तव में मैथिल समाज के लिए और पूर्वांचल समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम खड़े हैं भीलवाड़ा के जलदाय विभाग के तालाब के किनारे, जहां आप पीछे देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग यहां पूजा अर्चना करने आए हुए हैं। हमारे साथ एक माता जी हैं, उनसे बात करते हैं। माता जी, छठ मैया का जो पर्व है, आपको क्या महत्व है, क्या पूजा का विधान है, आप थोड़ा बताएं। विधान है कि जैसे कि किसी को पुत्र नहीं हो, कोई लड़की का लड़के का शादी ब्याह नहीं हो, शादी ब्याह हो तो वो नहीं हो सकता है, तो उसके लिए ये पर्व किसी ने भी मान देवे तो हो सकता है। और अन्न दान के लिए तो पूरी भंडार भर जाती है हमारा। आप कितने दिन का ये पर्व है आपका? मेरा 3 दिन का है ना। पहले दिन क्या होता है? पहले दिन तो हम खीर और रोटी खाते हैं, रोटी घी चोपड़ के, और दूसरे दिन ये बिना चाय पानी कुछ भी नहीं, मतलब 24 घंटा निराहार रह के और फिर ये पर्व करते हैं। आज का जो पर्व है, आप जहाँ सर्व यहाँ आए हैं, आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, डूबते सूर्य भगवान। और यहाँ जो जगह जगह गन्ने भी लगे हैं, उनका क्या महत्व है? तो गन्ना सब चीज, मतलब इसमें 56 भोग लगाया जाता है, 56 भोग का महत्व। और क्या महत्व, क्या कामना करते हैं आप? कामना तो ऐसे व्रत करते हैं हम, कामना करके नहीं करते हैं। कुल मिला के हमारे को ये भगवान का पूजा करना है 56 भोग का। आज आपने ये पूजा में क्या क्या सामग्री काम में ली है? सब चीज है इसमें, गुड़ का वो शकरपाला है, गन्ना है, नारियल है, फूल, चना, चावल, मतलब जितने हैं, धूप अगरबत्ती सब कुछ है। तो ये सिर पे गठरी बांध कर ये जो लोग ले जा रहे हैं, मतलब आदमी के लिए बहुत बढ़िया होता है। जैसे आप भी मान लेते हो कि मेरे को दो थोड़ा में रख, तो इसकी किताब उताब पहले था, अब आजकल के ज़माने में नए नए हो गए लोग, तो कोई नहीं पढ़ता है, नहीं कथा कहानी कहता है, बाकी तो बहुत बढ़िया महत्व है। ये हम लोग के पूर्वज से ही चल रहा है और कोई भी आदमी करना चाहे तो कर सकते हैं, इसके लिए किसी के लिए मनाई नहीं। तो आपने देखा श्रद्धा और आस्था का ये पर्व, छठ मैया का जो पूजा आपका पर्व है, वास्तव में पूरे समाज, पूरे देश के लिए एक नया संदेश देता है। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी। हमारे छठ पूजा बहुत मतलब भारी पर्व है जो सब पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं, और 3 दिन का ये मतलब पर्व रहता है जो सूर्य देव का मतलब पूजा करते हैं इसमें। और जैसे 3 दिन का रहता है, पहला दिन तो नहा खाए करते हैं, जिसमें वो बिल्कुल मतलब ऐसे लहसुन वसन प्याज कुछ भी नहीं, जैसे आलदी की सब्जी और चावल मतलब घी वो ऐसे छोक के मतलब बनता है, फीका ही बनता है, सिर्फ हल्दी नमक डाल के। और उसके अगला दिन मतलब बगैर ऐसे पानी का व्रत रहता है 3 अगला दिन, खरना के व्रत उसको बोलते हैं। जैसे हाँ, तो शाम को उस दिन क्या करते हैं जे मतलब खीर बना के, गुड़ के खीर और रोटी, शाम को मतलब खरना करते हैं, और उसके अगले दिन भी मतलब व्रत रहता है, तो मतलब उस दिन भी बिना पानी का ही व्रत रहता है। और जैसे फल वल के साथ में मतलब अर्घ देते हैं, और शाम को सूर्य देव का अर्घ दे के
फिर सुबह भी आते हैं, सुबह जल्दी 5-4 बजे आके फिर सूर्य देव का अर्घ देते हैं और उसके बाद से मतलब सूर्य देव का अर्घ देने के बाद मतलब ये व्रत पूर्ण होता है। सीमा देवी। लोक आस्था का महापर्व छठ आज भीलवाड़ा में भव्य रूप से मनाया जा रहा है। पिछले कई वर्षों में यहाँ पर पूर्वांचल वासियों की संख्या भी बढ़ी है। पूर्वांचल समिति जो अपना योगदान दे सकती है एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ, जो भी 5-6 जगह पे आज त्यौहार हो रहा है सभी जगह पे समिति ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। लोग यहाँ पर व्यवस्था से भी खुश हैं। आमतौर पर ये पर्व जो है परिवार की खुशहाली के लिए मनाया जाता है। संयुक्त परिवार को जो एक प्रथा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हर परिवार का सदस्य इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित होता है, उसकी सबकी जिम्मेदारी होती है। घाट पर सब एक साथ आते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं, फिर पुनः वापस जाते हैं। तो आज हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, कल सुबह हम उगते हुए सूर्य को देंगे। जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे अंदर है उसको आज हम यहाँ छोड़ देंगे और कल सुबह सूर्य भगवान से एक पॉजिटिव एटमोसफेयर लेकर हम पुनः अपने फैमिली के साथ वापस हम अपने काम पर लग जाएंगे। हम सभी लोगों का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इस पर्व का मुख्य उद्देश्य होता है स्वच्छता सफाई का संदेश, साथ में सामाजिक सद्भाव एकता का भावना। और आप देखिए सभी धर्म के लोग जो हैं, चाहे वो अब जो भी पूजा कर रहे हैं उसके अलावा भी आपको सभी धर्म के लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो ये एक आपको जो है बहुत अच्छा एक समाज को जोड़ने का कार्यक्रम है। और मैं भूलवाड़ा के सभी लोगों को अपने ग्रुप की तरफ से पुनः एक बार छठ की हार्दिक बधाई।